नमस्कार दोस्तों, हाय हेलो नमस्कार। क्या आप उन लोगों में से हैं जो बारी 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 करके अपने बारी को देखते हैं, यानी जो नोटिफिकेशन नहीं आने पे रोते हैं, नोटिफिकेशन आ जाता है फिर अंतिम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जाने तक का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ कौन सा लें उस पे चर्चा होता है, उसके बाद एडमिट कार्ड आने तक का इंतज़ार करते हैं, और आजकल कोविड के कारण अगर एग्ज़ामिनेशन टल जाए उसका भी इंतज़ार करते हैं। तो फिर ये वीडियो आपके लिए है जनाब। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, क्योंकि वहां पे मैं आपके साथ पर्सनली जुड़ता हूं। चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। बेसिकली पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि IBPS RRB की 4 मरतबा वैकेंसीज बढ़ी है। एक दरमियान तो ऐसा हुआ कि वैकेंसीज घट सा गया। मैं आपको बता दूं कि 7th of June, फिर 10th of June, फिर 17th of June और 22nd of June, और एज ऑन डेट आज की बात करें तो फिर 6,800 करीबन आपके RRB क्लर्क का है और 4,700 करीबन आपके ऑफिसर लेवल का है। तो बराबरी पे है, ऑफिसर और क्लर्क जो है वैकेंसीज लगभग बराबरी पर है, और इतना एक्चुअली में देखें तो बहुत अच्छा खासा माना जा सकता है। आज लास्ट डेट था 27th of June, एक लास्ट डेट था क्लोजर ऑफ रजिस्ट्रेशन का। मैं जानता हूं कि अब तक लोग सोए हुए हैं, लोगों को ये फील होता है कि रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गया। अब मैं पक्का सा बता सकता हूं कि जिनको पढ़ाई करने की इच्छा शक्ति नहीं होगी ना, वो कोविड के कारण एग्ज़ामिनेशन टल सा जाए इसका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि आप इंतज़ार करते रहिए, ये 6,000 और 4,000 यानी 12,000 करीबन, 700 और ये 700 मैं मिला दे रहा हूँ, 11,500 करीबन लोग जो हैं वो तो नहीं सो रहे होंगे। तो आज लास्ट डेट था, एटलीस्ट आज तो जग जाइए जनाब, आज तो उठ जाइए, आज तो प्रैक्टिस कर लीजिए। क्योंकि अगर आप मान के चलो अगस्त 1 तारीख नहीं टलने वाला है तो कितना दिन ही बचा है, कितना दिन बचा है आप बताइए, क्योंकि ये जून ख़त्म हो गया, बस 1 महीना बचा है। और इसको और टफ चैलेंज बनाता है SBI क्लर्क का भी पेपर, क्योंकि अब दोनों जो सिलेबस है थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए क्योंकि अगर आप इंग्लिश छोड़ दे रहे हो, बस RRB पे ध्यान दे रहे हो, तो SBI क्लर्क पे ध्यान मत दो, बिकॉज बिना इंग्लिश से पेपर नहीं निकलने वाला। जो लोग दोनों पे ध्यान दे रहे हैं कैसे मैनेज कर रहे हैं, सवेरे एक आध मॉक टेस्ट इसका, शाम को इसका एक आध मॉक टेस्ट कैसे मैनेज कर रहे हो, ये आपको डिसाइड करनी है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी इंग्लिश अच्छी सब्जेक्ट है कि नहीं है। तो अगर इंग्लिश अच्छी सब्जेक्ट है तो कहीं ना कहीं आप RRB भी निकालोगे, SBI भी निकालोगे। 100 बातों की एक बात है, अगर आप सोए हुए हो, अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हो, एटलीस्ट आज तो उड़ जाइए, क्योंकि आज तो लास्ट डेट था, इसका ख़त्म हो चुका है, स्टार्ट करिए। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारे टेस्ट सीरीज भी खरीद सकते हो, और साथों साथ आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पे बहुत कुछ चीज़ें हो रहा है, लोग आते हैं जाते हैं, सब्र नहीं है लोगों में। आप आना है तो फुल टाइम आइए, पार्ट टाइम मत करिएगा। और एक और चीज़ मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी जो 55 अरिथमेटिक वाला जो सीरीज था उसको भी मैं कंप्लीट करना का कोशिश कर रहा हूँ, और कल परसों, गिव मी अनदर 2 डेज, मैंने कंटेंट इकट्ठा कर लिया है, अब बस मुझे रिकॉर्ड करनी है, कुछ प्रोसेस में है और कुछ और जो है मैं उसको रिकॉर्ड करके धड़ाधड़ से उस सीरीज़ को कंप्लीट कर दूंगा। तो अगर अभी भी सोए हुए हो जनाब तो उठ जाइए, क्योंकि आप नहीं उठोगे तो ये 12,000 लोग आपका सीट ले लेंगे। फिर उसके बाद मत बोलिएगा कि सर पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे। बस एक आगाह करने वाली वीडियो थी कि लास्ट डेट जो है वो ख़त्म हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद जय भारत, शब आखिर, लव यू ऑल, अपना सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार।